तमिलनाडु और पुडुचेरी में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान गज अब केरल के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। इस तूफान को सुनामी के बाद सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। दो राज्यों में गज ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। दक्षिण भारत में गज तूफान का कहर, सुनामी के बाद सबसे प्रलयकारी तूफान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तूफान से भारी तबाही, हजारों लोग बेघर हुए। पम्बन कडलोर के तट से तूफान टकराने के बाद तेज हवाओं से कई मकान गिरे, फसलें बर्बाद। तमिलनाडु के 5 जिलों में हजारों लोग प्रभावित, नमक की खेती को भी नुकसान। तूफान केरल की तरफ मुड़ा, अरब सागर में लो प्रेशर से केरल पर दोहरा खतरा। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए देगी राज्य सरकार, केंद्र भी मदद के लिए आगे आई। तमिलनाडु के बाद केरल में भी गज तूफान का खतरा बढ़ गया है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने नागापट्टिनम में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गज तूफान से तमिलनाडु के नागपट्टिनम समेत 6 जिलों में भारी नुकसान हुआ। पेड़ उखड़ गए, फसलें बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में घर भी गिर गए। मकान गिरने से बड़ी संख्या में लोग बेघर भी हो गए। कई जगहों पर सुविधा न मिलने से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की।